नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा, अशोक ऑटोमोबाइल चौंतरा, हिमाचल प्रदेश से। और मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारा पेट्रोल का पावर वीडर होता है 7 HP का, उसकी क्लच प्लेट जो है किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारे पास वीडर आया है जिसका जो ये क्लच की रोड है वो देखिए बिल्कुल डाउन हो गई है, ये बिल्कुल डाउन हो गई है, जिस वजह से क्लच जो है बिल्कुल फ्री हो गया है। तो हमने देखना है इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें इसका गियर ऑयल जो है वो ड्रेन करना है। ये ड्रेन बोल्ट है गियर का, इसमें नीचे आप डब्बा रख लें और उसमें हमें तेल निकालना है इसका। सबसे पहले अगर आप कभी भी गियर खोलें तो उसका जो ऑयल है वो ड्रेन कर लें। तो दोस्तों हमने ड्रेन होने के लिए इसका ऑयल लगा दिया है, अब थोड़ी देर में ये सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें जो है इसका इंजन जो है वो गियर से अलग करना पड़ेगा। तो इंजन अलग करने के लिए हमें इसके ये जो बोल्ट होते हैं, ये देखिए 1, 2 और 2, इसी तरह के दूसरी तरफ जो बोल्ट है वो हम देखेंगे। ये देखिए एक हमने खोल दिया है और ये देखिए 1 और 2, ये जो बोल्ट है ये खोलने हैं। सबसे पहले इन ये बोल्ट जो है ये चैसी से कनेक्ट होते हैं इंजन के बेस में, तो ये 4 बोल्ट और ये मडगार्ड के देखिए 1, 2 और 3, 4, ये पीछे वाले बोल्ट, इसमें एक हमने खोल दिया है, दूसरा भी खोल रहे हैं। और इसी तरह के सेम बोल्ट परली तरफ जो है वो खोलने हैं। देखिए मडगार्ड यहाँ से अलग हो गया है और अब जो है हमने ये अर्थ की तार निकाली और आगे देख लें, जो भी तारें आई हो इलेक्ट्रिकल वो निकालने पड़ेगी हमें। ये देखिए ये ऑन ऑफ की तार थी, ये हमने निकाल दी है। अब देखिए ये जो है ये गियर को इंजन से कनेक्ट करने वाले बोल्ट हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 6 बोल्ट होते हैं, ये 6 बोल्ट हैं और हमें ये 6 के 6 बोल्ट जो हैं खोलने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरी तरफ जो है एक नीचे मडगार्ड के नीचे है वो दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मडगार्ड के नीचे है, ये देखिए दोस्तों अब ये बोल्ट हमें दिख रहा है। देखिए दोस्तों ये जो बोल्ट है वो खोल दिया है हमने और उसके बाद जो है ये इंजन को चैसी से जोड़ने, इंजन को गियर से जोड़ने वाले बोल्ट है वो खोलने हैं। और ये इंजन को चैसी से जो जोड़ने वाले जितने भी बोल्ट है, 4 बोल्ट ये इंजन से जो चैसी जुड़ी हुई है वो बोल्ट, और इंजन से गियर जो जुड़ा हुआ है वो 6 बोल्ट, और जो मडगार्ड वाले बोल्ट है 2, 2, 4, 4 बोल्ट, ये सिर्फ यही बोल्ट खोलने हैं हमें पूरे इसको खोलने के लिए। ये देखिए दूसरा मडगार्ड भी जो है हमारा निकल चुका है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमें जो बोल्ट बचे हुए हैं बाकी वो हमें खोलने हैं। देखिए दोस्तों अभी इंजन से चैसी वाले जो बोल्ट है बचे हैं वो हम खोल रहे हैं, और ये देखिए अब हमें आगे वाले जो 2 बोल्ट हैं वो बचे हैं। आगे वाले दोस्तों इंजन से चैसी को जोड़ने वाले बोल्ट है, ये देखिए ये बोल्ट जो है हम खोल रहे हैं, ये एक इस तरफ के और यही सेम दूसरी तरफ का भी आगे वाला बोल्ट जो है वो हमारा बचा हुआ है, तो हमने वो खोलना है। तो दोस्तों ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 4 बोल्ट आगे वाले हैं, 6 बोल्ट पीछे वाले हैं और 2 बोल्ट जो है वो मडगार्ड वाले हैं, सिर्फ यही बोल्ट खोलने हैं। तो दोस्तों अब हमें अलग करने के लिए ये पेचकस और हथौड़ा लेना पड़ेगा। ये देखिए गियर और इंजन के बीच में हम मारेंगे तो ये देखिए ये खुल जाएगा। दोस्तों ये देखिए खुल गया है, अब हमें इंजन को खींचना है आगे की तरफ को और इंजन जो है गियर से अलग हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप जो हैं इंजन जो है वो गियर से अलग हो चुका है, और ये देखिए ये इंजन हमने अपना रख दिया है। अब हम अंदर देखेंगे कि दिक्कत कहाँ है इसमें। तो दोस्तों देखिए ये जो क्लच है ये सूखा चला था, इसमें गियर ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम था। आपने देखा इसमें 2 लीटर 2.5 लीटर के आसपास गियर ऑयल होता है, तो इसमें जो गियर ऑयल है वो कम था, लगभग 0.5 लीटर इसमें गियर ऑयल निकला है। उस वजह से जो इसकी क्लच प्लेट है वो ख़राब हो चुकी है, और ये देखिए हमने ये जो निकाली ये है इसकी क्लच प्लेट। देखिए ध्यान से दोस्तों ये बिल्कुल सूखे में चली है, देखिए बिल्कुल सूखी है, अभी इसे गीला होना चाहिए था तो ये बिल्कुल सूखी हुई है, तो ये ख़राब हो चुकी है, जल गई है अंदर से। और देखिए दोस्तों अब और क्या है देखते हैं, ये देखिए दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है जो इसकी शाफ्ट का ये जो यू है जो इसका गियर को क्लच को दबाता है आगे पीछे करता है। देखिए हम इसका लॉक निकालेंगे, देखिए दोस्तों ये लॉक जो है निकल चुका है, और ये देखिए ये है वो यू जो ख़राब है, साफ दिख रहा है हमें। देखिए इसका पिन निकालना पड़ेगा हमें, स्प्लिट पिन, उसके बाद जो दूसरा पिन इस पे लगा हुआ है वो हमें बाहर निकालना है, और उसके बाद जो है
हमने इसकी शाफ्ट को, क्लच की शाफ्ट को बाहर को खींचना है, तो ये इसकी फोर्क जो है ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब फोर्क को हम खींचेंगे हल्का हल्का बाहर की तरफ को, तो इसकी जो लीवर को हमने खींचा है तो इसकी फोर्क जो है ये बाहर आ गई है। ये देखिए दोस्तों, फोर्क जो है बाहर आ गई है। अब ये देखिए, ये गियर है, देखिए कितना सूखा चला है, तो यहाँ पर कचरा ही कचरा गिरा हुआ है, देख सकते हैं आप दोस्तों, लोहे का कचरा है सारा, ये देखिए। और ये देखिए वो फोर्क जो ख़राब हो चुकी है, देखिए दोस्तों बुरे हाल हुए हैं इसके फोर्क के, तो इसी वजह से क्लच जो है वो काम नहीं कर रहा था और क्लच प्लेट भी ख़राब हो चुकी थी इसकी। देखिए दोस्तों, ये नई क्लच प्लेट है, ये हमने अब डालनी है। और ये देखिए, ये फोर्क है, ये भी हमने चेंज करनी है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह की नई फोर्क है और उस फोर्क के क्या हाल हुए थे। ये देखिए दोस्तों, अब ये फोर्क हमें फ़िट करनी है। तो दोस्तों, हमने ये फोर्क को अब यहाँ पे रखना है और इसका जो ये क्लच लीवर है इसको आगे को धक्का देना है। ये देखिए दोस्तों, ये क्लच का जो लीवर है उसको हमने धक्का दे दिया है, और इसके बाद देखिए छेद मिला लिया है और पिन को घुसा देना है। उसके बाद जो है स्प्लिट पिन जो है इसको लॉक करने के लिए, इस पिन को लॉक करने के लिए वो हमने फिट करना है। तो दोस्तों, अब हम स्प्लिट पिन को लेंगे और स्प्लिट पिन को यहाँ पे फिट करेंगे। तो दोस्तों, ये स्प्लिट पिन जो है अब फिट हो रहा है। स्प्लिट पिन फिट होने के बाद फिर हमने ये जो लॉक है इसके लीवर को लॉक करने के लिए जो लॉक है वो हमने लॉक कर देना है। और उसके बाद जो क्लच प्लेट हमने निकाली थी वो क्लच प्लेट नई हमने वापस फिट करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, क्लच प्लेट जो है हमने फिट कर दी है। अब इसके बाद जो इसमें वाशर लगेगी वो डालनी है, फिर बैरिंग लगेगा वो डालना है। जिस तरह से दोस्तों हम खोलेंगे, बस ध्यान रखेंगे जिस तरह से हमने इसको खोलना है उसी तरह से इसको फिट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो फोर्क है वो लगा दी है और बैरिंग फोर्क वाशर लगा दी है फोर्क में। और ये देखिए, अब हमने जो बैरिंग है वो लगा दिया है और नट भी लगा दिया है। दोस्तों, इससे पेचकस से आप इसको कसें, पेचकस को आप इसमें रखें और नट को फिर ही कसें, क्योंकि ऐसे स्लिप मारेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने फिट कर लिया है। अब दोस्तों, हम इसको दबा के देखेंगे क्लच को कि क्लच अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, क्लच दबा रहे हैं तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए क्लच दबा रहे हैं तो ये आगे की तरफ को धक्का दे रहा है इसको। ये देखिए, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लच जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अब हमने वापस जो इंजन है वो फिट कर देना है। तो दोस्तों, पहले ध्यान रखें, इसमें जो है हमने ट्यूब जो है लगा ली है एनाबॉन। आप भी गैस्किट मेकर ट्यूब पहले लगा लें, नहीं तो यहाँ पे बीच में लीकेज होगा, तो आप इन दोनों के बीच में जो है वो गैस्किट मेकर ट्यूब जो है वो लगा लें, नहीं तो लीकेज होगी। तो देखिए ये दोस्तों, इंजन जो है हमारा बैठ चुका है और ये जो नट है, हमने जो सब नट खोले थे, चार जो नट थे बम्पर जिस पे लगा हुआ था, हमारे जो चैसी से जुड़े हुए थे वो नट जोड़ने हैं, और छह नट जो है वो पीछे वाले जो इंजन को गियर के साथ जोड़ते हैं वो नट जोड़ने हैं। ये देखिए, ये छह नट जो है इस तरह के जुड़ने हैं, और जो बाकी के चार नट जोड़ने हैं हमने पीछे मड़गाड़ के। ये देखिए दोस्तों, ये अब जो नट है, मैक्सिमम नट में दोस्तों इसमें 10 नंबर की स्पैंडर का यूज़ होगा, 10 नंबर का पाना जो है आप लेके रखें, 10 नंबर ही मैक्सिमम इसमें यूज़ होगा। देखिए दोस्तों, अब जो हमने जैसे जैसे नट खोले हुए थे, आप सबको पता ही है कि हमने किस तरह से सारे नट खोले थे, उसी तरह से सारे जो नट हैं वो हमने वापस फिट करने हैं। देखिए दोस्तों, मडगार्ड अभी फिट हो रहा है, और एक तरफ का मडगार्ड, दूसरी तरफ का मडगार्ड, और ये हमने आगे जो इंजन के चेसी वाले बोल्ट हैं वो हमने कस देने हैं, जो इंजन को इसके बेस के साथ जोड़ते हैं, और जो बाकी के नट बोल्ट हमारे इंजन गियर के बचते हैं वो भी हमने कस देने हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने किस तरह से जो वीडियो को खोला था, उसी तरह से, जिस तरह से खोले हैं उस तरह से जो नट हैं उन्हें टाइट करना है, और अच्छी तरह है दोस्तों इन नटों को अच्छी तरह से टाइट कर लें, वरना जो गियर की लीकेज की समस्या है वो आ सकती है। तो लीकेज की समस्या से बचने के लिए आप इसको अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नट है वो टाइट हो चुके हैं, और अब
अब हमें ये जो बाकी के नट बचते हैं मडगार्ड के, वो फिट करने हैं। देखिए दोस्तों, मडगार्ड फिट हो चुका है। ये इंजन के बोल्ट अच्छी तरह टाइट कर लें, वरना इंजन का इंजन वाइब्रेट करेगा। तो आप इनको अच्छी तरह से टाइट कर लें। दोस्तों, आप सब ने देख ही लिया कि जो क्लच प्लेट है वो किस तरह से हम चेंज करते हैं, और जो यू था क्लच का वो भी किस तरह से हमने चेंज किया। अगर दोस्तों इस तरह से आपके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। अगर आप कोई एग्रीकल्चर की मशीन लेना चाहते हैं तो अशोक और मचोंद्रा में संपर्क करें, और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अशोक और मचोंद्रा को सब्सक्राइब करें, और मुझे इस तरह से सपोर्ट करें, मेरी सारी वीडियो को देखें। मैं इस तरह की नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अशोका एग्रो, किसान का साथी।